दो किसान गुरविंदर सिंह जी और दलजीत सिंह जी की लखीमपुर कांड में नृशंस हत्या की गई थी। मंत्री की गाड़ियों से कुचल के मारा गया था। उनके परिजनों से मिलकर वापस आया और यहाँ बाराबंकी में जो हादसा बबरी गांव में हुआ था, जिसमें 15 लोगों की जान गई, उनमें से आज यहाँ पीड़ित परिवार से मैं मिला। इनका ये कहना था कि अब्दुल रहमान जी जो इस घटना में मारे गए, वो 3 बजे रात तक परिवार वालों से बात करते रहे। और जो घटना हुई है वो लापरवाही की ऐसी घटना जो कि सीधे सीधे मौत का कारण बनी। सीधे डायरेक्शन से जिस दिशा में बस को चलना चाहिए, बस उसी दिशा में चल रही थी, डबल डेकर बस थी, और ट्रक उल्टी दिशा में आ रही थी। तो मेरा ये सवाल है कि उल्टी दिशा में गाड़ी चलाने की इजाज़त कैसे मिल रही है? क्या उनको रोकने वाला कोई नहीं है? ट्रैफिक को देखने वाला कोई नहीं है? पूरे रास्ते भर आप चले जाइए, रास्ते में आपको सड़कों पे जानवर मिलते हैं, अगर आपको जरा सी भी नींद झपक जाए, कुछ आपको झपकी लग जाए, नींद आ जाए, आपका एक्सीडेंट होना तय है। और आए दिन हादसे हो रहे हैं हाईवेज के ऊपर, ये छोटी घटना नहीं है। जो मुआवजा सरकार की ओर से दिया गया है वो बहुत अपर्याप्त है। इतने बड़े हादसे में मुख्यमंत्री जी को तत्परता दिखानी चाहिए। 20-20 लाख रुपए का मुआवजा सभी परिवारों को दिया जाए और घायलों के पूरे इलाज की व्यवस्था की जाए, इलाज का इंतजाम किया जाए, क्योंकि किसी के इलाज में हो सकता है 50,000 लगे, किसी के इलाज में 10 लाख भी लग सकता है, तो उनके इलाज का इंतजाम कराइए। और हाईवेज पर सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए। रॉन्ग डायरेक्शन में अगर गाड़ियां चलेंगी तब तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है, तो कल्पना ही नहीं करती। इसे लेके कई राज्यों को सफर करती थी, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो लापरवाही है परिवहन विभाग की? देखिए, ऐसा है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये घटना हो जाती है उसी वक्त फिटनेस क्यों तलाशा जाता है? जितने एक्सीडेंट के मामले होते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद ये पता चलता है गाड़ी की फिटनेस नहीं है, गाड़ी का ये कागज़ पूरा नहीं, गाड़ी का वो कागज़ पूरा नहीं, इंश्योरेंस नहीं, ये बाद में क्यों पता चलता है? और पता चलता है तो तात्कालिक रूप से 1-2 मामलों में कार्रवाई हो जाती है, बाद में ख़त्म। जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होगी, जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, जब तक हमारी सरकार को दूसरे कामों को छोड़ के जब तक लोगों की जान की चिंता नहीं होगी, तब तक ये सिस्टम ठीक से नहीं आगे बढ़ सकता है। पूरी सरकार तो किसान को कैसे रौंदा जाए उस काम में लगी हुई है। तो सीधे सीधे आप एक्सीडेंट को आमंत्रित कर रहे हैं, एक्सीडेंट करने की खुली छूट दे रहे हैं। तो इस पूरे मामले की गहनता से जाँच होनी चाहिए, कहाँ से किस डायरेक्शन से वो ट्रक उल्टी दिशा में चली है और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार? संसद जी गिद्धों की राजनीति करना छोड़ दें। अच्छा, मान लीजिए विपक्ष तो गिद्धों की राजनीति कर रहा है और जो देश के प्रधान सेवक यहाँ महोत्सव मनाने आए थे लखीमपुर में, वो क्या है? ब्राजील का फुटबॉलर, अर्जेंटीना का फुटबॉलर, उसके साथ कोई घटना हो जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी संवेदना के लिए ट्वीट कर देते हैं। लखीमपुर कांड में अन्नदाता किसान गाड़ियों के नीचे रौंद कर कुचल कर उनकी मंत्री के गाड़ी के द्वारा मार दिया गया और देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक संवेदना के शब्द नहीं निकले। लखनऊ में महोत्सव मनाने के लिए आ सकते हैं, लखीमपुर नहीं जा सकते? चलिए, विपक्ष के लोग बड़े नाकारा हैं। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी गए अब तक वहां पे दौरा करने?
क्या देश के प्रधानमंत्री अब तक उन परिवारों से मिलने गए? क्या उन्होंने संवेदना के एक शब्द कुछ बोले? तो ये सत्ता के ऐसे नशे में मदहोश लोग हैं जिनको 22 में उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी और देश का अन्नदाता सबक सिखाएगा। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज संवेदनहीनता मर चुकी है इनके नेताओं में, इनके सरकार में। खुलेआम मंत्री घूम रहा है, खुलेआम उसका बेटा घूम रहा है। आप बताइए, सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी देश के गृह राज्य मंत्री पर, और पता ये चल रहा है कि बेटा नेपाल फरार हो गया, तो उसको तो वैसे भी इस्तीफा ले लेना चाहिए। एक अपराधी 302 का जो मंत्री का बेटा है, जिसके जिम्मे देश के सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसने अपने बेटे को नेपाल भगा दिया, ऐसी खबरें आ रही हैं, तो उसका तो वैसे ही इस्तीफा ले लेना चाहिए। जिसके जिम्मे सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो अपने बेटे की रक्षा में लगा हुआ है, सीमा की सुरक्षा नहीं कर रहा है।